हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैन ड्राइव के बारे में। दोस्तों चैन ड्राइव कैसे काम करती है और कहां पर इसका यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, यह आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों वैसे तो चैन ड्राइव जो है एक पावर ट्रांसमिशन ड्राइव है, यानी कि पावर को ट्रांसमिशन करती है एक मशीन से दूसरी मशीन के अंदर। दोस्तों वैसे तो पावर ट्रांसमिशन की बहुत सारी आपको डिवाइस मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको और भी पावर ट्रांसमिशन की ड्राइव के बारे में जानना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ड्राइव एक दो स्पॉकेट होती है, उनके ऊपर चैन चढ़ी हुई होती है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि साइकिल अपन साइकिल चलाते हैं तो वो हमारी उसके अंदर जो होती है वो चैन ड्राइव होती है। तो इसी तरह से चैन ड्राइव का प्रयोग बहुत सारी जगह इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है, जैसे कि पावर कन्वेयर को चलाने के लिए किया जाता है। तो बहुत सी सारी जगह जो है चैन ड्राइव का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसके बाद आरपीएम हम चैन ड्राइव का कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या फार्मूला है, कैसे हम आरपीएम को निकाल सकते हैं, ये सब जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इस चित्र में दो स्पॉकेट हैं और एक चैन इनके ऊपर चढ़ी हुई है। तो एक छोटा स्पॉकेट है और एक बड़ा। तो जो ये छोटा स्पॉकेट है ये इनपुट ड्राइविंग है और ये आउटपुट ड्रिवन है। तो और यहाँ पे जो ये ऊपर हम यहाँ पे लिखा हुआ है नो फोर्स ट्रांसफर्ड अंडर कंप्रेशन पुशिंग, तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, ये मतलब है जो ये ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे जो हमारी चैन होती है यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होता, ये लूज होती है, यहाँ से ऊपर से ये लूज रहती है। हम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फोर्स ट्रांसफर्ड अंडर टेंशन पुलिंग, तो जो चैन का नीचे का ये हिस्सा होता है यहाँ पे चैन के अंदर टेंशन होती है यानी टाइट होती है, तो यहाँ से ये पुलिंग यानी फोर्स लगता है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं किसी भी चैन ड्राइव के अंदर तो वो एक साइड से तो लूज रहती है और एक साइड से टाइट रहती है, तो इसी तरीके से ये वर्क करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आरपीएम के बारे में बताएंगे कि इनके आरपीएम को हम कैसे निकाल सकते हैं। और बाकी चैन ड्राइव का यूज ज्यादातर जो है पावर कन्वेयर में या फिर जैसे साइकिल, एक इसका उदाहरण है साइकिल के अंदर, तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है।